मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? बेटा आज आपकी क्लास मैथ की है अभी, और आपने कल एक्सरसाइज की थी 5.2। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। 1 और 2 आपका हो चुका था, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 से। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर आपका फोर्थ और फाइव क्वेश्चन प्रॉब्लम सम है। एक्सरसाइज बनती है 5.2, क्लास फिफ्थ है, टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2। ऊपर लिखेंगे एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। करेंगे क्वेश्चंस को हम, सबसे पहले डिजिट उतारेंगे वो भी ध्यान से। 3/7 5/7 2 5/7 प्लस डैश, बी पार्ट है हमारा डैश प्लस 5/70 = 5/70 + 3/70। पार्ट है हमारा 1/2 + 1/3 + 1/5 = (-1/3 + 1/5). पार्ट है आपका डैश प्लस 1/7 + 1/8 = 1/5 + 1/7 + 1/8। सब बच्चे पहले ए बी सी डी पार्ट उतारे। ऑल स्टूडेंट राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है, 5.2 एक्सरसाइज है, ए बी सी डी पार्ट करें, डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। सब बच्चे ए बी सी डी पार्ट उतारे। देखिए बेटा एक बार मैं आपको समझाती हूँ, आप करेंगे तो खुद। 3/7 5/7 ओके इज इक्वल टू 2 का मैंने आपको बताया था, मतलब इस इक्वल का मतलब है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, राइट साइड और लेफ्ट साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होंगी। अब बराबर का चिन्ह लग गया, यहाँ पे क्या है 5/7, यहाँ पे 5/7 है, प्लस से प्लस है, तो यहाँ पर 3/7 है, वहाँ नहीं है, तो ये उठा के हमने क्या लिख दिया 3/7। कुछ भी नहीं करना बेटा, फिल इन द ब्लैंक बहुत सिंपल है। इक्वल के साइन का मतलब है कि आपकी ये साइड और ये साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो डिजिट इधर है वही डिजिट वहाँ होनी चाहिए। यहाँ पे 5/7 था, यहाँ पे भी 5/7 है, यहाँ पे 3/7 है, वहाँ नहीं था, तो ये उठा के हमने वहाँ लिख दिया। अब आप बी सी और डी पार्ट खुद करें, आपको आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं करवाऊँगी आपको, अभी आप करें खुद। सब बच्चे ध्यान से करें, जल्दी करें।
सब बच्चे ध्यान से लिखें, बी सी एंड डी पार्ट, बी सी एंड डी पार्ट। अब देखिए बी पार्ट, यहाँ पे डैश है, इक्वल का साइन है, 5/17, 5/17 सेम है, यहाँ पे 3/17 है, यहाँ नहीं है, उठा के यहाँ लिख दिया 3/17। 1/2, 1/3, 1/5, 1/3 है, 1/5 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ जाके लिख दिया 1/7, 1/8, 1/7, 1/8, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ जाके लिख दिया। दिस इज योर आंसर ए बी सी एंड डी। सब बच्चे ध्यान से उतारे ए बी सी डी पार्ट, सब बच्चे ध्यान से लिखे हैं ए बी सी एंड डी। सब बच्चे ध्यान से लिखें, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा सारा का सारा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉब्लम सम है, सचिन होम इज 17/10 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। सचिन का स्कूल इतने किलोमीटर दूर है, अशोक होम इज, और अशोक का घर जो है वो स्कूल से इतने किलोमीटर दूर है। हु लिव्स फार्दर, कौन दूर रहता है अवे स्कूल फ्रॉम स्कूल से, एंड बाय हाउ मच, और कितना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रॉब्लम समय नंबर 4 इज टू बाई फाइव, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम करेंगे 17/10 माइनस 2/5, इसको फ्रैक्शन को करेंगे, 10 × 10 और 17/10 माइनस 5 × 5/2, 7/5।
हमने इसकी करेक्शन को क्या करना है, 5 या 10 ज़्यादा है, यहाँ 5 को करेंगे चेंज, 10/5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना गया, 5 2 10 आ गया, हमने इसको चेंज किया। अब 17/10 माइनस 14/10, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, अब ये स्टेप हो गया। अब इनमें से हम करेंगे 10 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3/10, 3/10। तो यहाँ लिखेंगे हम आंसर, साइड में लिखेंगे, स्पेस में लिखेंगे पर नीचे, सचिन स्कोरेल 3/10 किलोमीटर farther than Ashok School. Okay friends, देखो कैसे समझ आया आपको, एक बार समझा चुके हैं। Distance of Sachin for school 1/10 था, अशोक का 1/2/5 था, ये हमने डिजिट लिख दिए थे। अब हमने इसकी फ्रैक्शन डाली है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसमें ऐड करते हैं। हमने किया 10 × 10 17/10 माइनस 10/5। अब ये डिजिट को हमने इसके बराबर लाने के लिए क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10। अब 17/10 ज़्यादा है 14/10 की अपेक्षा, तो 7 × 2 = 14 का कितना आ गया, 3/10। 17/10 किसका आया था, सचिन का, तो सचिन स्कूल इज 3/10 किलोमीटर फार्दर देन अशोक स्कूल, दिस इज योर आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सब बच्चे ध्यान से उतार रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। All students write carefully. Distance of Sachin school from home 1 7/10 kilometer. Distance of Ashok school from home 1 2/5 kilometer. तो बेटा हमने इसकी पहले फ्रैक्शन बनाई, कितना आ गया 17/10 माइनस 7/5, फिर हमने 7/5 को इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 14/10। तो 17/10 माइनस 14/10, दोनों 10 डिनोमिनेटर सेम है, तो उसमें से हमने 10 ले लिया, 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3/10। तो सचिन का स्कूल इज 3/10 किलोमीटर फार्दर देन अशोक स्कूल, अशोक का जो स्कूल नहीं है, दूर नहीं है, बल्कि सचिन का स्कूल दूर है घर से, कितना है 3/10 किलोमीटर। सब बच्चे ध्यान से उतारें, ऑल स्टूडेंट राइट केयरफुली, सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मीता हैज़ 2 1/2 मीटर ग्रीन रिबन, मीता के पास 2.5 मीटर ग्रीन रिबन है और 3 3/4 मीटर रेड रिबन, तो हाउ मच ग्रीन एंड रेड रिबन डज शी हैव इन टोटल, उसके बाद टोटल बताना है तो इसको प्लस करना है। सब बच्चे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स राइट कैरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, बच्चे ध्यान से लिखें। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, दिस इज योर 4 क्वेश्चन।
अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे ग्रेन निपल कितना है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज आपको वही 5.2 ली है। ग्रेन निपल कितना है, रेड निपल कितना है, स्टेटमेंट उतारे। बिल्कुल ठीक है जी हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे बोला है टोटल कितना निकल है, टोटल निकल 5 मीटर और 3/4 को हमें क्या करना है सर। पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करें 2 × 4 = 5/2 सर 4 × 3 = 12 = 15 / 4। अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेन बाय फोर प्लस 15/4 को प्लस करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 10 + 15 प्लस करिए 25/4 इतने मीटर। सब बच्चे पहले उतार ले, फिर मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा दूंगी बेटा। सब बच्चे पहले क्वेश्चन को उतार दिए। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन रिबन इतना, रेड रिबन इतना, टोटल रिबन इतना। क्वेश्चन नंबर 5।
सब बच्चे ध्यान से लिखें. All students write carefully. सब अच्छे ध्यान से लिखिए बेटा. All students write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा. एक बार मैं आपको और क्लियर करवा देती हूँ. इसी क्वेश्चन को देखिए हम. इसी क्वेश्चन को मैं आपको, ये तो हमने इस तरीके से किया, अब मैं आपको एलसीएम के थ्रू करवाती हूँ. और कर सकते हैं इसको. मेन निबंध कितना था? 2 1/2 meter. रेड रिबन कितना था? 3 3/2. सेम प्रोसीजर आपका यहाँ था. टोटल रिबन 2 1/2 + 3 3/2. ओके सेम. जब हमने इसको सॉल्व किया सेम वही आएगा. 5/2 + 15/4. अब हम लेंगे एलसीएम 2 और 4 का. जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं. कितना आ गया? 2 into 2 = 4. इसको डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई. 2 की टेबल 4 का है 2 पर 2 5 10. 4 की टेबल 4 का है 1 पे 15 20. 25/4. आप ये तरीका करें या ये मेथड से करें, आपको दोनों मेथड ही क्लियर होने चाहिए. ये है हमारा एलसीएम से. सब बच्चे ध्यान से करें. All students write carefully. सब बच्चे ध्यान से लिखें. आप एलसीएम के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. सब बच्चे ध्यान से लिखें. क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने 2 मेथड से करवाए हैं. आप इन दोनों में से आपको जो सा भी ईजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं. क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इससे रिलेटेड आपको सिंपल क्वेश्चंस का टेस्ट दूंगी. देखो बेटा, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको इसको बस सिंपल करके लिखना पड़ता है. फ्रैक्शन बना के कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया फिर उसमें ये ऐड किया. 4 3 = 12 13 14. 14/4. दिस इज योर आंसर. मैंने एक क्वेश्चन आपको करके इसे दिखाया. आप लोगों ने इस तरीके से करने हैं. 4 को 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई जो आया उसमें ऐड कर दिया. 4 3 = 12
14 4 का 4। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, मैं पार्ट दे रही हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो फ्रैक्शन ऐसी आ जाती है उसको इजी लगेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। सिंपलीफाई मैंने आपको करके दिखाया 1, इसके बी सी डी और ई पार्ट आपको खुद करना है। ए और बी पार्ट प्लस का है और सब्ट्रैक्शन का ए और बी पार्ट है, ये आपको करना है। ये वाले क्वेश्चन तो आपने फोर्थ में भी सीखे थे, ये इसे लेके टेस्ट है बेटा। सब बच्चे ध्यान से उतार रहे हैं। All students write carefully from the blackboard. बच्चे ध्यान से लिखें, राइट की ओर पूरी बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, वो स्कूल में आए और अपने बुक्स अरेंज करें और अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें। और जब आप टेस्ट भेजते हो तो उसमें आप अपना नेम और क्लास भी लिख के भेजें। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकले तो मास्क लगा के रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो 1 से 3 बजे के बीच में आप आकर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।